नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछूंगा, क्या आप लोग एक मेड इन इंडिया स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हो जो कि पूरा शुरुआत से लेके लास्ट तक इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है? तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। मैं आज आप लोगों को एक स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो कि कम्प्लीटली पूरा हैंडक्राफ्ट से लेके एकदम लास्ट तक ये इंडिया में ही मेड हुआ है। प्राउड टू बी इंडियन स्मार्टफोन है दोस्तों, इंडियन ब्रांड है लाभा। ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, लाभा की तरफ से आप लोगों को लाभा Z93+ से आता है। ये स्मार्टफोन कैसे कैसे स्पेसिफिकेशंस में आता है और किस प्राइस रेंज पे आप लोगों को मिल जाएगा, सारा कुछ वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन करके रखना, ऐसा ही लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को हमारे चैनल में हर रोज देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आपने वीडियो पे एक लाइक नहीं दिया दोस्तों, एक लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल में अगर आप लोग नए हो तो मैंने बता दिया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो को, आपके लिए स्पेशल वीडियो है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस, आप लोगों को एक क्वेश्चन है, आप लोग बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट को मानते हो कि नहीं, ये कमेंट आप लोग नीचे ज़रूर बताना। और आप में से ऐसा भी है दोस्तों, चाइनीज प्रोडक्ट पर्सनली ये लोग ज़्यादा पसंद करते हो तो वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्रोडक्ट को कोई मानते हो तो ये लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले ये जो डिवाइस है, ये आप लोगों को बता देता हूँ, टोटली मेड फॉर इंडिया डिवाइस है। आप लोगों को लाभा इंडिया में ही मेड होते हुए दिख जाएगा। लाभा के सारे डिवाइसेस इंडिया में ही हैंडक्राफ्ट होते हैं। और गाइस, ये जो डिवाइस है, आप लोगों को इसके बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। लाभा Z93+ एक ऐसा डिवाइस है, इसमें आप लोगों को पीछे के साइड में बैक में रेयर पॉलीकार्बोनेट डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ गाइस, आप लोगों को इसमें सामने की तरफ कार्ब ग्लास देखने के लिए मिल जाएगा जो कि 2.5D कार्ब ग्लास है। आप लोगों को इसमें वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ कार्ब ग्लास देखने के लिए मिल जाएगा। और पीछे का जो डिज़ाइन है दोस्तों, इसमें आप लोगों को ग्लॉसी फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाएगा लाभा की तरफ से। लेकिन दोस्तों, सामने के साइड में आप लोगों को जो ग्लास मिलता है उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, ये एक माइनस पॉइंट मुझे लगा है, लाभा को ये देखना चाहिए था। अब अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, आप लोगों को इसमें 6.53 इंच का एक बड़ा सा वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आप लोगों को HD+ का रिजोल्यूशन भी देखने के लिए मिलता है जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट लगा है। रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट इस डिवाइस में आप लोगों को 2GB और 32GB स्टोरेज वेरिएंट मिल जाएगा, और 3GB 32GB स्टोरेज वेरिएंट मिल जाता है। तो दो रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा इस डिवाइस के अंदर। साथ ही साथ लाभा इस बार आप लोगों को डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप लोग दो सिम कार्ड और एक SD कार्ड को यूज़ कर पाओगे। और साथ ही साथ इसमें डुअल 4G वोल्टी का भी इस बार सपोर्ट आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इंडियंस के लिए डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट स्पेशली बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो इस डिवाइस में आप लोगों को डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट्स भी मिल जाता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसमें आप लोगों को सिक्योरिटीज़ क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो सारे सेंसर्स अवेलेबल है, प्रॉक्सिमेट्री, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, सारे सेंसर आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ फेस अनलॉक का भी इसमें सपोर्ट आप लोगों को मिलता है। और इस बार पहली बार दोस्तों, लाभा के डिवाइस में आप लोगों को पीछे के साइड में रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है इस डिवाइस के अंदर, जो कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों। आप लोगों को लाभा इस बार रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड कर देता है इस डिवाइस के अंदर। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को साइड में पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलता है। साथ ही साथ आप लोगों को माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, स्पीकर ग्रिल मिलता है, और 3.5mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है इस डिवाइस के अंदर। और माइक्रो USB पोर्ट इसीलिए बताया दोस्तों, आप लोगों को इसमें बैटरी मिलता है 4000mAh का, जो कि मेरे हिसाब से इन दिनों के अंदर डिसेंट है। आप लोग 4000mAh बैटरी आराम से यूज़ कर सकते हो, एक से लेकर देर दिन आप लोगों का आराम से चल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आप लोगों को 10W का चार्जर भी मिलता है दोस्तों, माइक्रो USB पोर्ट है, 10W का चार्जर है, 4000 का बैटरी भी है, जो मेरे हिसाब से दोस्तों सफिशिएंट माना जाता है। कैमरास में भी इस बार लाभा कुछ काम किया है दोस्तों। पीछे के साइड में आप लोगों को इस बार ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा लाभा Z93+ में। सामने के साइड में आप लोगों को दोस्तों वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। पीछे के साइड में जो रेयर कैमरा फर्स्ट वाला रहता है वो है दोस्तों 16MP का रेयर कैमरा। साथ ही साथ आप लोगों को 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलता है, और एक 2MP का मैक्रो मिलता है दोस्तों। जो मैक्रो सेंसर है, आप लोग इससे मैक्रो फोटोग्राफ्स निकाल पाओगे।
जाओगे। तो पहली बार दोस्तों लावा ला रहा है मैक्रो सेंसर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आप लोगों को इसी डिवाइस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके मन में एक ख्याल चल रहा है कि इसमें आप लोगों को प्रोसेसर कौन सा वाला देखने के लिए मिलेगा, तो ये जो प्रोसेसर है दोस्तों ऑक्टा कोर प्रोसेसर आप लोगों को मिलेगा इस बार लावा की तरफ से। साथ ही साथ 64 बाइट्स का आप लोगों को प्रोसेसर मिलता है और 2 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर लावा ने इसको क्लॉक किया है। जी हाँ दोस्तों, मीडियाटेक की तरफ से ही मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस है दोस्तों। मेरे हिसाब से दोस्तों डिसेंट प्रोसेसर है इस दिनों के अंदर। आप लोग अगर गेमिंग करना चाहते हो तो डीसेंट प्रोसेसर है, आराम से आप लोग थोड़ा बहुत गेमिंग कर पाओगे। इन्फिनिक्स हॉट 8 में भी आप लोगों को ये प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता था, तो मेरे हिसाब से दोस्तों डीसेंट गेमिंग आप लोग इस प्रोसेसर से निकाल लोगे। अगर आप लोग गेम खेलना चाहते हो तो मैं आप लोगों को डीसेंट गेमिंग रिकमेंड करूंगा इस डिवाइस के ऊपर। अब सारा कुछ दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया लावा Z93 प्लस के बारे में। अब आपके मन में और एक सवाल आ रहा है दोस्तों कि ये डिवाइस आप लोगों को किस प्राइस सेगमेंट पे मिल जाएगा और कब आप लोगों को ये डिवाइस देखने के लिए मिलेगा इंडियन मार्केट में। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगले 2-3 हफ्ते के अंदर आप लोगों को लावा की तरफ से ये डिवाइस देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले लावा ने इसको लिस्टेड भी किया था अपने वेबसाइट में, लेकिन अभी लावा ने इसको हटा दिया। मेरा मतलब दोस्तों लावा इस बार थोड़ा चालाकी किया अपने यूजर्स के साथ, मतलब दोस्तों एक बार इसको लिस्टेड करके फिर लावा ने इसको हटा दिया। तो इसका मतलब आप लोगों को कुछ ही दिनों के अंदर, आई मीन 2 वीक्स के अंदर आप लोगों को ये डिवाइस इंडियन मार्केट में लिस्टेड होते हुए दिख जाएगा, आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिल जाएगा और फ्लिपकार्ट में आप लोगों को ये डिवाइस डेडिकेटेड देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपके मन में जो ख्याल और एक है दोस्तों, इसका प्राइस कितना होने वाला है। एक प्राइस इसका जो निकल के आता है दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग 2GB 32GB का जो प्राइस रहेगा, 6999 में आप लोगों को ये डिवाइस देखने के लिए मिल जाएगा। बेस वेरिएंट जो रहेगा 2GB 32GB का, और जो 3GB 32GB होने वाला है दोस्तों, वो आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग 7999 में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से इन दिनों के अंदर बहुत ही परफेक्ट डिवाइस है। अगर आप लोग एक मेड इन इंडिया डिवाइस यूज़ करना चाहते हो, अपने मन से दोस्तों बॉयकॉट चाइनीज एक्ट को मानते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा डिवाइस माना जाएगा। तो लावा की तरफ से लावा Z93 प्लस आप लोगों को मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ। अगर आप लोग मेड इन इंडिया स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग इसके ऊपर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो गाइस आज ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। हमारे चैनल में अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके ये जो बेल बटन है इसको ज़रूर ऑन कर देना दोस्तों। हमारे लेटेस्ट टेक न्यूज़ और वीडियोस आपके पास हर वक्त पहुंचता रहेगा सबसे पहले। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। वीडियो को कर देना शेयर अपने दोस्तों के पास, अगर वो लोग मेड इन इंडिया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो ज़रूर दोस्तों के पास शेयर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। सबका दिन आज शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।